दोस्तों लिपस्टिक का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से हो रहा है। कहते हैं बड़े बड़े राजाओं को अपने हुस्न से अपनी उंगलियों पर नचाने वाली मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा भी क्रश्ड एंट्स और बीटल्स का इस्तेमाल करके अपने होठों को लाल रंग से रंगा करती थी। खैर, आज की मॉडर्न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनके पास इससे ज्यादा बेहतर तरीके मौजूद हैं। लेकिन लिपस्टिक अभी तक आउट ऑफ फैशन नहीं हुई है और ना ही ऐसा होने की कोई संभावना भविष्य में दिखती है। तो कैसे बनाती हैं ये कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज में ये लिपस्टिक, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लिपस्टिक बनाने की शुरुआत उसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने से होती है। एक लिपस्टिक बनाने में कई तरह के वैक्सेस, पिगमेंट और मॉइस्चराइजर्स का सहारा लिया जाता है। एक वर्कर सबसे पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स का वजन तोलकर उन्हें एक केटल के अंदर डाल देती है। कौन सा इंग्रेडिएंट्स किस मात्रा में लिपस्टिक बनाने के लिए डाले जाने हैं, ये एक कंपनी का सीक्रेट होता है और हर कंपनी का इसको लेकर एक अलग फॉर्मूला है। लेकिन केटल में जाने के बाद इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मेल्ट करके मिलाया जाता है। इसके बाद सही समय पर इसमें एक प्लांटेल्टम नाम का एक प्लांट बेस्ड जेल ऐड कर दिया जाता है, जो एक स्किन सॉफ्टनर की तरह काम करता है और लिपस्टिक के लगाने के प्रोसेस को काफी स्मूथ कर देता है। इतना हो जाने के बाद इसमें कार्नोबा, कैंडलीला और बी वैक्स जैसे अलग अलग वैक्स ऐड किए जाते हैं, जो लिपस्टिक को उसकी शाइन देते हैं। इसके साथ ही हमारा बेस मिक्सचर तैयार हो जाता है। इस बेस मिक्सचर को अब हम थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे और पिगमेंट बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो पिगमेंट ही होता है जिससे लिपस्टिक को उसका कलर मिलता है। अलग अलग आयरन ऑक्साइड कोलोरेंट्स में से पिगमेंट के एक बैच को निकाल दिया जाता है, लेकिन ये अभी काफी सख्त है, जिसके लिए इन्हें दो रोलर से गुजारा जाता है, जो इन्हें क्रश करके एक शीट में बदल देते हैं। इन रोलर से तीन बार इस पिगमेंट्स को गुजारा जाता है ताकि पूरी तरह इस पिगमेंट को ग्राइंड किया जा सके। अच्छी तरह ग्राइंड होने के बाद अब ये पिगमेंट हमारे छोड़े गए बेस मिक्सचर में ऐड होने के लिए तैयार है। सबसे पहले केटल की हीट को कम किया जाता है ताकि बाकी इंग्रेडिएंट्स खराब ना हो जाए, और इसके बाद इस पिगमेंट को भी इस मिक्सचर में ऐड कर दिया जाता है। ये पिगमेंट तब तक इस मिक्सचर में मिक्स होता रहता है जब तक कि ये गाढ़ा और क्रीमी ना नजर आने लगे। जब वर्कर्स इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो इसे अगले स्टेशन की तरफ रवाना कर देते हैं। अगले स्टेशन में एक वर्कर इस लिक्विड बन चुके लिपस्टिक को एक फिलिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन इस लिक्विड को ज्यादा देर तक यूं ही रखने से वो खराब भी हो सकता है, इसलिए इस मशीन में भी एक मिक्सर लगा रहता है जो इसे सेटल नहीं होने देता और इसका क्रीमी टेक्सचर बरकरार रहता है। इसके बाद लिपस्टिक बनाने के लिए साचो को इस फिलिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है और लिफ्ट एक्टिवेट करने के बाद ये ऊपर उठ जाता है। ऊपर ये इस फिलिंग मशीन की नोजल्स तक जाते हैं, जहाँ ये मशीन लिक्विड को अंदर से पंप करती है और ये लिक्विड मशीन से निकलकर इन साचों में चला जाता है। इसके बाद इस साचे को यहाँ से हटाकर इसकी जगह दूसरा साचा लगा दिया जाता है और ये तब तक किया जाता है जब तक मशीन खाली ना हो जाए। इन भरे हुए साचों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे एक 5 फुट लंबी कूलिंग टनल में भेजा जाता है, जिससे कि ये लिक्विड सॉलिडिफाई होने लगता है। टनल से बाहर निकलकर अब ये पूरी तरह एक सॉलिड लिपस्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बारी है इन्हें स्पेशल कंटेनर्स में डालने की। सबसे पहले तो इन साचों के ऊपर एक रैक रखा जाता है और इस रैक में इन कंटेनर्स को उल्टा करके रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं इन्होंने सभी स्लॉट्स को इन साचों के साथ परफेक्टली अलाइन किया हुआ है और अब इन्हें एक टर्न अराउंड मशीन में प्लेस कर दिया जाएगा, जहां पर नीचे से आती हवा इन लिपस्टिक्स को ऊपर पुश करती रहती है। साथ ही कंटेनर्स के अंदर बन रहे लो प्रेशर से भी ये लिपस्टिक इन साचों से निकलकर इन कंटेनर्स तक आ जाती है। अब इन कंटेनर्स को निकाल दिया जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इन्हें आगे भेज दिया जाता है। इनके रास्ते में इन लिपस्टिक को हीट गन से होकर गुजरना पड़ता है, जिनसे निकलती गर्म हवा लिपस्टिक को थोड़ा सा पिघला देती है ताकि वो और ज्यादा शाइन कर सके। इसके बाद आगे ये लिपस्टिक कुछ रोलर से होकर गुजरती है, जो इन लिपस्टिक के केसेस को बंद कर देते हैं और ये लिपस्टिक अपने केस के अंदर चली जाती है। अब हर एक लिपस्टिक के बैच में से एक सैंपल ले लिया जाता है ताकि इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग की जा सके। सबसे पहले टेस्ट में ये देखा जाता है कि आखिर इस लिपस्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगर ये लिपस्टिक कम टेम्परेचर पर जल्दी पिघलने लगे तो हो सकता है ये पर्स में रखे रखे ही खराब हो जाए,
जिस वजह से ये टेस्ट काफी जरूरी है। इस टेस्ट को करने के लिए लिपस्टिक से एक छोटी सी लिपस्टिक शेविंग को निकल कर एक ग्लास डिस्क पर अलग रख दिया जाता है और सबसे पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी नोटिस की जाती है। इसके बाद इसे एक हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रख दिया जाता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास को इसके ऊपर रखा जाता है ताकि हर एक बदलाव को बहुत ध्यान से नोटिस किया जा सके। जैसे जैसे लिपस्टिक मेल्ट होती रहती है, थर्मोमीटर पर ये टेस्टर रीडिंग चेक करता रहता है और अगर ये लिपस्टिक के स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मेल्ट नहीं होती तो इसका मतलब कि लिपस्टिक ने टेस्ट पास कर लिया है। अब बारी है अगले टेस्ट की। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि अभी अभी जो लिपस्टिक का बैच बनकर आया है उनका कलर क्या कंपनी की पुरानी लिपस्टिक से मैच करता है। इसके लिए पहले से ही एक सैंपल लिपस्टिक और एक टेस्टर लिपस्टिक अलग निकाली गई होती है। टेस्टर लिपस्टिक को हाथ पर चलाया जाता है और ठीक उसी के नीचे हमारे फ्रेश बैच से निकले सैंपल को भी अप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों शेड्स की जांच की जाती है और अगर इन्हें लगता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है तो पूरे बैच को ही हरी झंडी मिल जाती है। इसके बाद हमारे बाकी लिपस्टिक केसेस को एक प्लास्टिक कैप लगा दी जाती है। इस कैप को ज्यादातर ट्रांसपेरेंट ही रखा जाता है ताकि लोग लिपस्टिक के कलर को देख पाए और इस तरह पूरे दिन की मेहनत के बाद फैक्ट्री में एक लिपस्टिक का बैच तैयार किया जाता है। तो अगली बार आप किसी लिपस्टिक के प्राइस को देखकर चौंकेंगे तो इस पर की गई मेहनत को भी याद रखिएगा। अगर आप मस्कारा या बाकी किसी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर भी वीडियो चाहते हैं या आपके पास हमारे लिए कोई और सुझाव है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, साथ ही कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।